में खाना खाओ, पापा साथ में कौन खाना कौन खा के चक्कर है रहे हो। सही हो रही बताई मन कर साथ पापा साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया, उठ गए हैं। एमी को रात की मतलब एमी की रात को तबीयत सही थी, बट सोया तो सही से नहीं। वो उचाटी सी मच रहती है, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर। बीमार होने से पहले सही सोता था, बल्कि वैसे तबीयत अभी ठीक है, टच वुड। अभी जो उसकी एंटीबायोटिक है ना, वो 5 दिन तक चली थी, तो आज 4th डे वो चल रही है तो उसकी दवाई। और अभी मैं नहा के मैं जाऊँगी अपने जच्चा बच्चा के पास, और इधर एमी रहेगा अपने दादा दादी के पास। बस अब वो बीमार ना हो, बड़ी मुश्किल हो जाते हैं ये दिन काटने ना, पूरा दिन इतना। मैं तो ये लगा लो पूरे 4 दिन से इस रूम में हूँ पूरे दिन, क्योंकि बाहर पापा रोते तो मैं बाहर जाते नहीं, उसको खिलाना पिलाना ये वो हर टाइम इधर ही। मतलब मेरा ना ऐसा हो गया, इस रूम में ऐसे सिर घूमने लगा है, एक रूम में रह रह के। तैयार हो गई हूँ मैं और अभी निकलते हैं, ये लेके जा रहे हो आज मुझे वीडियोस निकालने वहाँ जाके। हाँ जी, निकल लिए हैं तैयार होके साथ में मेरे पति देव। ये जाएंगे जिम, कई दिन बाद ये आज जा रहे हैं जिम, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन जो है नॉर्मल हुई है, एमी को सुला दिया है। और आप लोगों ने हमारी लव स्टोरी को इतना 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 एक्सट्रीम लेवल आप लोगों ने प्यार दिया है, और सबका ही एक सेम कमेंट आ रहा है कि आपको लव स्टोरी पार्ट 2 जानना है विद फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो ये जो आ जाए इस वाले ब्लॉग में मुझे नहीं पता भी मैं वहां से फ्री होके आऊंगी नहीं आऊंगी, अम्मी को दिन में फीवर होएगा नहीं होएगा, बट अगर आज सही रहा तो मैं आज ही पार्ट 2 डाल देंगे, नहीं तो कल या परसों, जैसा भी मतलब सूटेबल रहेगा। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारी लव स्टोरी। तो देखो मेरा ये वाला सूट रेडी होकर आ गया, शायद मैंने दिखाया भी था, ठीक है ना। इसने भी पैर होंगे आज तो, काल पैर का यो इसका दुपट्टा है, यो कलर कंट्रास्ट गणार पार का लग रहा था, और यो भी बिना ही पैर इतना निकलन लग रहा है। भाई ने इसका दोबारा स्टॉक मंगवाया है, ठीक है, इतना प्यार दिया। अरे एक मेरा यो वाला सूट रेडी हो गया, मैंने इस कलर में करवाया है, वो मैं ई पैर का फिलहाल वीडियो बनाऊंगी। और वैसे भी नए नए ना, देखिए कितने बढ़िया पीस आए हैं। ये कति कौन सा कॉटन है भाई? यो कैमरी कॉटन आया है, और यो व्हाइट वाला तो मेरा चल ही रहा है जो मैंने पहना था। यो तो सूट है देखो, ये पूरा फ्रंट रहेगा, और जिसकी जो लोग है ना बहन भाई, लेंथ 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 लेंथ, तो एक बार लेंथ भी दिखा दूं मैं, लेंथ दिखा दे है ना। हाँ। ये देख लो मेरा मतलब नीचे सलवार की आ गए हो, नीचे तक है, ठीक है ना। तो कितनी बड़ी हाइट की बहन होगी वो, या सूट लेस का है तो हाइट का इशू हो गया क्लियर, ठीक है। यो प्यारा सा कति फुल दुपट्टा है, साइडा में इसके लेस लग रही है, और कंट्रास्ट में है दुपट्टा, मतलब बढ़िया खिलागा। बाकी तो मैं जब इसकी अलग का लुक रेडी करवाऊंगी ना, जब देखियो किस आला यो देख लो भाई। और इस पे ना लेपे दल्ले वाली चीज के है, या सलवार है, मतलब सलवार मतलब बॉटम, आप किस तरीके से इसने रेडी करवाओ। वैसे तो सलवार ही अच्छी लगेगी क्योंकि इस पर कढ़ाई है नीचे, पोच्चे देखो। वैसे चाहो तो पेंट प्लाजो कुछ करवा सको, बट क्योंकि सलवार पे ज्यादा खिलेगा, तो एक बार सूट की फुल लुक देख लो कैसी लगेगी। तो अगला जो सूट है ना, फिलहाल मेरे 3 सूट रेडी हो रखे हैं, आज एक पहनूंगी, एक कल और एक परसों दिखाऊंगी इनकी वीडियो, ठीक है। ये देख लो किसा लग रहा है, तो जल्दी से ऑर्डर कर लियो फटाफट। अपने दादा के कितने चक्कर कटवा रहे हैं, माता वह है, अरे बाज गए टेबल के नीचे। ये देखो रोटी पे थोड़ा नूनी घी था, इसने इस टेबल पर रखा है, अपने मुंह पर लगाने लग रहा है। क्यों भाई, ज्यादा मेकअप चाहिए तुझे? ये देखो ये देखो, तो मम्मी यहाँ पे जो है ना खाना खाने लग रही, सारा काम निपटा दिया था माई, मैंने बस इसकी खाना खुआया है, पापा इधर इसने खिलाने लग रहे हैं। ये मारो इसके, ये देखो हाय, बालक सारे फ्री करके खवा पिया के, जच्चा बच्चा का सिर धो दिया है, या अभी बस सो के उठ ली है। अरे ये खेल देख डांस कर रहे हैं, और मेरी ऑर्डर उठी सो के उठ के आ चुका है, और मैं गया था जिम, जिम से वापस आके नहा के रेडी हो गया, खाना खा लिया है। एमू अभी सो के उठ गया। एमू एमू बेटी आप ठीक हो गए क्या? सबको बता दो एक बार, ठीक हो आप? ओ ठीक है भाई, आज ठीक है, आज ठीक है क्या आपकी तबीयत है? तो आज ना मैं ये डाल के आई थी, और ये देखो कितनी लूज हो चुकी है, ये पैंट मेरी बिल्कुल लूज हो गई मेरे ख्याल से, अब और मैं वेट लूज कर चुकी हूँ, तो थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ, चूड़ा उड़ा भी डाल लिया। तो ये लो भाई बर्बर का स्टॉक है, तो ये वाला जो है मैंने डिजाइन रेडी करवाया है गाइस, ये देख लो पैंट प्लाजो वाला, ये
ये सूट जो है ना, ये तीज स्पेशल सूट है। आपको पता भी 7 अगस्त को तीज आ रही है, तो जो जो बहने तीज के लिए सूट लेना चाहती है ना, तो चिड़िया वाला सूट है ये, स्पेशली तीज के लिए ही है। तो जिस बहन ने ऑर्डर करना है ना, फटाफट तो ऑर्डर कर लियो। अगर इसमें मैंने यू कलर रेडी करवाए, क्योंकि मेरे पास था नहीं, बाकी कलर और भी सुंदर सुंदर है इसमें, कई कलर है, जैसे कि ब्लैक है, ये बिल्कुल अलग से खिल के आएगा अगर आप ब्लैक करवाते हो तो। बिल्कुल। उसके पास में फिर ऑफ व्हाइट कलर है उसके अलावा, और ये जो सेम मैंने जो रेडी करवाया है ये वही सूट है। हाँ। मतलब कलर थोड़ा 19-20 हो जाता है अलग अलग, और ये वाला डार्क पिंक है, ये भी अच्छा लग रहा है। और एक ये वाला कलर है, ये ग्रीन वाला कलर है, सारे ना लाइट और डार्क दोनों आते हैं, जैसे ये लाइट वाला भी, ये हल्का सा डार्क, मतलब 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो इसका प्राइस क्या भाई? मात्र 950 रुपए। 950 रुपीज है इसका प्राइस। 30 स्पेशल सूट है, और डिजाइन आप देख लो मैंने किस तरीके से रेडी करवाया है। ये वाला मैंने करवाया है बाजू पर डिजाइन, काफी यूनिक सा डिजाइन करवाया है, और पीछे बैक पे करवाया है ये वाला। फुल दुपट्टा है, जैसे भी करना चाहो आप, सिर पे लेना कैसे भी लेना है, और साइड में है इसके लेस, प्यारी सी गोल्डन कलर की इसमें लेस है, और फुल दुपट्टा है। देख लो मैं इसकी लेंथ भी दिखा देती हूँ, फुल दुपट्टा है। तो जिस बहन ने चाहिए व्हाट्सएप पर नंबर मिल जाएगा, फटाफट तो ऑर्डर कर दो। तो और कोई भाई दो सूट लेवेगा तो 900 रुपए का ही लग जाएगा, 1800 के 50 रुपए और डिस्काउंट मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा, जो चीज दिख रही है वही चीज मिलेगी। बिल्कुल। अब कपड़ा क्या है सूट? ऑर्गेंजा का सूट है, प्योर का दुपट्टा है, सेंटोन में बॉटम है। ठीक है। तो इस वाले सूट की मैंने कर दी वीडियो रेडी, और ऐसे नहीं होती यार, बहुत टाइम लग जाता है। तो जिसने भी चाहिए ना, नीचे नंबर मिल जाएगा। बहुत सुंदर और यूनिक सा लग रहा है, सिंपल सोबर सा सूट है, जल्दी तो ऑर्डर कर लियो। घने दिन बाद फुल डे ना हिल डाल रही, मैं गत्ते डाल के आई थी कई बारी, और इधर ये दोनों सो गए। पापा पूरी थैली लेके बैठे ने, कम्मा काम बुन चलाऊ गया, मगला अड्डू आए थे कुछ तो बांट दिए, हमने करे नीचे गाड़ते हैं, आस पड़ोस में बांट दिए, थोड़े से रखते हैं, ज्यादा नहीं, मैं खावे हैं। कई दिन हो गए, मेरा बिग बॉस छूट रहा था जब तक मैं बीमार होया, आज फिर मैंने ना यहाँ भी ये निबले के लगा दिया। दीदी आके देना देखे पापा नु के चल रहे हो, ये भी इधर नु सारे आना बिग बॉस देखते पाओगे, आज सारे एपिसोड पी जाऊंगी पुराने। ये देखो भाई, एमू मम्मी का फ़ोन लेके ना, मम्मी का फ़ोन इसका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लेके और ये देखो कैसे कैसे मिला रहा है बैठ के चुपचाप। इसका मुंह उधर की साइड है, देख नहीं रहा मेरी तरफ। हेलो एमू, एमू बात कर रहा है क्या? एमू बात कर रहा है क्या? कह रहा है एमू, अरे पकड़े गए, कहाँ बात कर रहे थे बताओ, कहाँ बात कर रहे थे? हैं एमू, कहाँ बात कर रही थी बेटी? अच्छा डाल दिया, डाल दिया भाई, अच्छा नहीं लगा हमको। कहाँ बात कर रहा था, कहाँ बात कर रहा है? एमी के बारे में आप लोग कंसर्न दिखा रहे थे, तो एमी बिल्कुल ठीक है अभी, उसको बस उसके एंटीबायोटिक चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चल रही है, मतलब कॉफ़ी बनाऊंगी, कॉफ़ी पाउच मैंने निकाल लिया है 4 कप, और ये छोटा, एक जना छोटे मिलेगा, बाकी सब ज़्यादा लेंगे। और बिग बॉस चल रहा है, और साथ में मैं बना दूंगी कॉफ़ी, मज़ा ही आ जाएगा। बच्चे सो रहे हैं इसलिए थोड़ी शांति है, छोटी बेबी सो रही है, इधर से मेरा क्या सो रहा है। एमी का बता किया था, एमी बिल्कुल सही है, बुखार भी नहीं आया, खा पी लिया और सो के उठा है वो भी। है भाई है? ये बहुत एक कम बार लग रहा है, ये थो थोड़ा उठा है। अच्छा छोटा इसका ब्याह में उठा था, बड़ा 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 कर रहा हूं करो वाला। अरे ठा रे पापा, नो 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 नहीं कर रहा, मड़ा हो रे ठा रे, देख ले रेत गिरेंगे सिर पर। जल्दी तेरी बुआ जा रही है भाई, बाय बेटा बाय, ओले मम मम। और माँ आ गई थी घर पर, मित्तू लेना आ गए थे। हाँ ये देखो इसकी तबीयत ठीक हो गई, अलमारी ना खोलने बंद करने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ देखो, हाँ खुद के किस कर रहा है अभी। हाँ पूछ रहे थे ना सब, अम्मी को दिखाओ कैसा है क्या कर रहा है, ये देखो ये कर रहा है, ये इसकी हरकतें देख लो। पापा पापा पापा, देखा बोला ना पापा, बोला पापा, वो गिर गया। तो घर आ गई थी गाइस, और घर आने के बाद जो है मैं अभी बनाने लगी, एक साइड तो मैं बना रही हूँ पोहा, मित्तू के लिए बना रही हूँ खाली पोहा, और कोई नहीं खाएगा, भिगो के रख दिया था,
और इधर मैंने बना दी है मैक्रोनी मम्मी पापा के लिए। तो पोहा हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें डाल दिया राई। आप सबको पता है सबसे पहले पोहा में राई ही डलती है। थोड़ा सा अपना तेल को गर्म करके मैंने घी डाला है और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम लोग। दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को जो है ना थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची। टमाटर मिर्ची डाल के इसमें जो भी मसाले डालें बहुत ज़्यादा नहीं डलते। नमक मिर्ची ऑलरेडी डली क्योंकि कम ही बना रही हूँ, बाकी आप डालना चाहो डाल दो, मैं तो डाल दूँगी। तो यहाँ पे बना दिया पोहा, रेडी हो गया ये। इधर बन रही है अदरक वाली चाय। तो अब बना रही हूँ अपना ही जैसे पास्ता होता ना रेड वाला वो चाय का, फिर तैयार होगा सब्जी इसमें डाल दूँगी। तो ये रेडी हो गई है। किस किस का खाने का मन कर रहा है, जाओ जल्दी से। और अब एमी को ना थोड़ा बहुत मैंने खिला दिया है, और खिला के अब जो है ना उसके थोड़े कपड़े चेंज कर दूँगी, क्योंकि खाता है ना तो गिरा देता है, अभी खुश होकर नहीं खाता है। पहले अच्छे से खा लेता था, बिल्कुल गंदे कपड़े नहीं करता था, बट अब ज़्यादा करते हैं। तो इसको सिलाने की कोशिश करूँगी अभी। इसकी मस्ती चल रही है, यहाँ इसके ऊपर कोई चीज़ रख देती हूँ, उसको उतारता है और नीचे गिर जाता है। क्या दिक्कत है? तो भाई इस खाने का प्रोग्राम चल रहा है, ये देख लो भाई कैसे लेट के खाना खाया जा रहा है। यहाँ पे थकान हो जाती है पूरे दिन में ऐसे काम करते करते ना आदमी, तो ऐसे लेट के खाना खाया जाता है। लेकिन देखो तो सरी सासू के सामने और खान की स्टाइल देखो बहू की, एक बार मॉडर्न जमाना कौन ही बैठा देना मम्मी, तो एक बैठ के खाना खाना चाहिए सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी करके। अल एक कमेंट आ रहा था, मम्मी ने कुछ हम सारा जना साथ में खाना खाओ, पापा साथ में कौन खाना कौन खा, क्या चक्कर है तेरे? तेरी लड़ाई हो रही बताई मन पापा साथ मेरी को लड़ाई हो रही, साथ खाना कौन खा रहा? पापा एक आधी रोटी खास है दूध के साथ में, और हम खावा से लेट तो वैसे ही करते थे, हम खाते हैं लेट बिल्कुल। रात के बज चुके 10, अब जाके और अब एमी के पास पापा बैठे हैं, तब जाके हम साथ में खाना खा रहे हैं, क्योंकि यही एक टाइम होता है जिस टाइम हम सारे इकट्ठे होते, नहीं तो दिन भर तो ऐसे ही चल रहा है। जब टैमी बीमार था जब तो हमने खाना ही नहीं खाया साथ में। मैं कब टाइम हुई है वो एक देखो मुझे, एमी बीमार क्या जब से वो बच्चा हुआ उधर, तब से उधर तो ले से ही कह रहे हूं इतने दिन हो गए, तो ये याद हो रहा है। सही बात, मैं भी अंदर से लाऊं यही खाना खाऊं, यो अंदर ही अंदर या खा ले आप बाहर खाओ लेट, यो यही चल रहा है भाई। भाई जच्चा मन नहीं कोनी जितने थी वही चल रहा, मैं ना ये फिर बैठ के खा ले। और पापा वैसे बीपी पापा बिन चुबड़ी रोटी गरम गरम खाया करे से दूध साथ, भाई इच्छा हो तो कोई सब्जी बनवा ली तो सीखती जान देता ना हम तो। और ये देखो उल्टे काम, राजमा राइस खा रहे हैं ऊपर से दूध पीने लग रहे हैं साथ में, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लेते तुम भी है, इतनी शरीफ बहू से बता, मतलब कुछ भी कर ले भाई यार, शरीफ बता के टांग मार दी मारा।